बेवल गियर। माय डियर, अगर हम टू शाफ्ट को कनेक्ट कर रहे हैं, टू शाफ्ट को कनेक्ट कर रहे हैं जो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट है, मान लो फर्स्ट शाफ्ट हमारा ये है, सेकंड शाफ्ट हमारा जो है ये, देखो ये आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना। तो द गियर विच आर यूज टू कनेक्ट टू इंटरसेक्टिंग शाफ्ट फॉर पावर ट्रांसमिशन पर्पज, देन दैट गियर इज नोन एज बेवल गियर। बेवल गियर, तो देखो भाई ये हुआ, सिमिलरली यहां पे होगा, ये हमारा मान लो गियर फर्स्ट है, यहां पे क्या आएगा हमारा, यहां पे गियर सेकंड आएगा। देखो भाई यहां पे जो हमारा प्योर रोटेशन मिल रहा है, इस लाइन को ध्यान से देखो माय डियर, लुक केयरफुली। तो देखो ये जो हमारा प्योर रोटेशन जो हमें मिल रहा है इस लाइन पे, बेसिकली क्या है, कोन है, एक कोन बना रहा है ना। तो बेवल गियर में जो हमें प्योर रोटेशन मिलता है वो किस पे मिलता है, वो हमें जो है कोन पे मिलता है। वेयर एज इन स्पर गियर में हमें प्योर रोटेशन मिल रहा था वो किस पे मिल रहा था, सिलेंडर पे मिल रहा था। तो बेसिकली बेवल गियर क्या है, ये अगर हम टू नॉन पैरेलल और इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को कनेक्ट करें बट वो क्या है, कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है, तो उसको हम बोलेंगे बेवल गियर। तो यहां पे हमें जो प्योर रोटेशन मिल रहा है वो हमें किस पे मिल रहा है, कौन पे मिल रहा है। अब क्वेश्चन इज दैट, कोई आपको एग्जाम में कोई किसी इंटरव्यू में पूछ ले कि आप क्या देख के हम किसको कैसे बताएं कि जो बेवल गियर है, जो है जो हमारे बेवल गियर है वो भी बेवल है या स्पर है। माय डियर देखो ऐसा नहीं है कि इसके टूथ जो है इंक्लाइंड होते हैं या स्ट्रेट होते हैं, वही केस है इसमें भी, इसके टूथ में भी स्ट्रेट, बेवल गियर के जो टूथ है वो स्ट्रेट हो सकते हैं, दे इंक्लाइंड भी हो सकते हैं, वो जो है इंक्लाइंड भी हो सकते हैं। अगर वो इंक्लाइंड होंगे तो उसमें बोलेंगे हेलिकल बेवल गियर, टूथ इंक्लाइंड है तो हम बोलेंगे हेलिकल, जो टूथ जो है स्ट्रेट भी हो सकते हैं तो उसमें बोलेंगे स्ट्रेट बेवल गियर। अब क्वेश्चन इज दैट, अगर ये इसके टीथ भी जो है इंक्लाइंड और स्ट्रेट हो सकते हैं तो हम कैसे पता करें कि भाई ये जो है स्पर गियर है, बेवल गियर है या हेलिकल गियर है। देखो स्पर का फंडा सीधा है, यहां पर टीथ क्या है, स्ट्रेट है, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ व्हील। हेलिकल में क्या है, इंक्लाइंड है। अब मैं ब्यूल में बोल रहा हूं कि ब्यूल में क्या हो सकते हैं, स्ट्रेट भी हो सकते हैं और इंक्लाइंड भी हो सकते हैं। मगर बात क्या है, देखो उसको ध्यान से देखो, इसको जो यहां पे जो थिकनेस ऑफ, जो थिकनेस है ऑफ टूथ, अगर हम बोलूं विड्थ ऑफ जो टूथ है वो वैरी कर रहा है, ये रूट पे मैक्सिमम है। रूट पे क्या है, मैक्सिमम इसका विड्थ है। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं टेल पे जो उसका विड्थ जो है वो क्या है, मिनिमम है। तो मींस जो टूथ का जो थिकनेस है, जो मतलब जो थिकनेस है उसको बोल रहे हैं, उसका जो विड्थ है वो क्या करता है, वैरी करता है। वेयर एज स्पर गियर में ये वैरी नहीं करता था, ना ही हेलिकल गियर में वैरी करता था। सिंपल सी बात है, ये जहां पे देखो टूथ का अगर थिकनेस वैरी कर रहा है दैट मीन जो क्या है, बेवल गियर है। रूट पे से जो थिकनेस क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जो लास्ट में जो टेल पे से जो विड्थ जो होगा मिनिमम होगा। सो अगर इसको मैं एक इसमें लाइन में कंक्लूड करें तो बेवल गियर क्या होता है, वो ऐसे गियर जो दो इंटरसेक्टिंग शाफ्ट को कनेक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं उसमें बोलते हैं बेवल गियर। प्योर रोटेशन हमें मिलता है कहाँ पर मिलता है, कोन पे मिलता है। थिकनेस जो है वेरी करता है, रूट पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है, एंड पे क्या होता है, मिनिमम होता है। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ये भी जो है टूथ जो है स्ट्रेट भी हो सकते हैं, इंक्लाइंड भी हो सकते हैं। अगर इंक्लाइंड होंगे तो
इंक्लाइंड पैवल बोलेंगे, स्ट्रेट होंगे तो स्ट्रेट पैवल गियर बोलेंगे. गोट माई पॉइंट? नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट माइटर गियर. वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर, अगर मैं टू बैवल गियर को यूज करूं, टू बैवल गियर, टू बैवल गियर जो एग्जैक्ट सिमिलर है, जो जो है क्या है, एग्जैक्ट सिमिलर है, जो एग्जैक्ट सिमिलर है, कंडीशन क्या है, मगर जो शाफ्ट के बीच में जो एंगल है वो क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे माइटर गियर. मींस यहां पे क्या बोलता है कि व्हेन टू परपेंडिकुलर शाफ्ट आर यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर, तो माइटर गियर क्या बोलता है, अगर हम दो परपेंडिकुलर शाफ्ट को कनेक्ट करें, टू परपेंडिकुलर शाफ्ट को कनेक्ट करें पावर ट्रांसमिशन में, पावर ट्रांसमिशन के लिए, सो दैट वी यूज्ड टू सिमिलर बेवल गियर, तो उसको बोलेंगे माइटर गियर. मींस टू सिमिलर बेवल गियर व्हेन यूज्ड टू कनेक्ट टू परपेंडिकुलर शाफ्ट, then that gear is known as mitre gear. Remember रखना बेटा, gear जो है similar होने चाहिए, तो बोलेंगे mitre gear. Now skew bevel gearing or spiral gearing. My dear, अगर हमने पढ़ा कि to connect two parallel shaft पहले केस में, दूसरे में हम पढ़ा कि टू कनेक्ट टू इंटरसेक्टिंग शाफ्ट, मगर अगर एक ऐसा केस बन जाए जहां पे शाफ्ट क्या कर रही है, ना तो पैरेलल है, मींस नॉन पैरेलल, और ना ही एक दूसरे को कट कर रही है, मींस नॉन इंटरसेक्टिंग, तो ऐसे केस में जो गियर यूज किए जाते हैं टू ट्रांसमिट द पावर, उनको हम बोलेंगे स्पाइरल गियर. तो इन केस में बेटा जो हमें प्योर रोटेशन मिलेगा वो मिलेगा हाइपरबोलॉइड पे, जो हमें प्योर रोटेशन मिलेगा माय डियर वो मिलेगा हमें एक हाइपरबोलॉइड पे. तो प्योर रोटेशन जो हमें मिलेगा वो मिलेगा हाइपरबोलॉइड पे, क्यों गियर प्रोफाइल ऐसे होगा उसका. तो हमें जो प्योर रोटेशन हमें यहां पे क्या काम मिलेगा, हाइपरबोलॉइड पे, यहां पे लिखा भी है मैंने, इसको बोलेंगे हाइपरबोलॉइड पे. तो बेटा ये जो किसी भी गियर के प्लेन में नहीं होता, मींस अगर हम सॉरी जो किसी भी शाफ्ट के प्लेन में नहीं होता, जहां हमें जो प्योर रोटेशन मिला किसी अनदर ही प्लेन में मिलेगा, वो ना तो ड्राइवर शाफ्ट के प्लेन में मिलेगा, ना ही ड्राइवर शाफ्ट के प्लेन में मिलेगा, जो हमें प्योर रोटेशन मिलेगा किसी दूसरे ही प्लेन में मिलेगा. नाउ अगर मैं सब इन गियर का एक स्मॉल पोर्शन को कट करूं तो उसको हम बोलेंगे हाइपरबोलॉइड गियर. मीन्स स्पाइरल गियर के स्मॉल पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोलॉइड गियर कहते हैं. ठीक है, गॉट माय पॉइंट? नाउ टाइप ऑफ गियर बेस्ड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ गियर. और वेलोसिटी ऑफ गियर की बेस पर अगर हम बात करें, ये हमारा सेकंड कैटेगरी आ गया. तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, लो वेलोसिटी, मीडियम वेलोसिटी, हाई वेलोसिटी. Sorry.
Yes. माय डियर इससे अगर हम एक स्टेप आगे बढ़े तो एक आता है वोरम एंड वोरम व्हील, ये इसी का ही एडवांस वर्जन है, वोरम एंड वोरम व्हील। माय डियर बोथ आर स्प्राइल, अच्छा हम उनके प्रोफाइल की बात करें, जो हमारा वोरम है उसका प्रोफाइल भी क्या होता है, स्पाइल होता है, और वोरम व्हील का भी जो क्या होता है, स्पाइल होता है। ये क्या होता है भी बताएंगे। देखो बेटा आप लोग जूस तो पीने जाते हैं डेली, और आपने जूसर मशीन को कभी देखा हो ध्यान से, ध्यान से अगर आपने उसको देखा हो, यू नो लाइक दिस, उसमें ऐसे बने होते हैं, तो बेटा इसको हम बोलते हैं वोरम। दूसरा जो हम इसमें जो फ्रूट डालते हैं, मान लो ऑरेंज डालते हैं, तो उससे हम बोलते हैं वोरम व्हील, वोरम व्हील। सेकेंड एग्जाम्पल जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ जूसर वाली मशीन है, जो है आप जो जूस पीते हैं मौसमी वगैरह का। सेकेंड जो है हमारा एग्जाम्पल बात करें, हमारा जो ग्रास कटिंग मशीन होती है, ग्रास कटिंग मशीन होती है, ग्रास कटिंग मशीन होती है, उसको भी हम जो हमारे कैटेगरी आते हैं वोरम एंड वोरम व्हील में आती है। नाउ इन गियर का सबसे ब्यूटी क्या है बेटा, दीज आर यूज्ड इन वेरी हाई वेलोसिटी रिडक्शन। अगर हमने वेलोसिटी को एक बहुत ही ज्यादा उससे रिडक्शन करना है, मान लीजिएगा 1000 से 2 पे आना है, तो हम क्या करते हैं, वोरम एंड वोरम व्हील का यूज करते हैं। अभी सब आप समझोगे, ये सब आप समझोगे जब हम बात करेंगे गियर ट्रेन का, कि सर ये वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, कैसे आता है, वोरम एंड वोरम क्यों यूज करते हैं। बस आपको थोड़ी झलक दिखा दी है मैंने कि अगर हम जहाँ पे हमें हाई वेलोसिटी रिडक्शन की बात करें तो हम वहाँ पे यूज करते हैं वोरम एंड वोरम व्हील को। अब इसका देखिएगा, इसमें दो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट क्या है कि जिसमें जो वोरम होता है, वोरम आर ऑलवेज ड्राइवर, कभी भी वोरम व्हील्स का ड्राइवर नहीं हो सकता, वोरम आर ऑलवेज ड्राइवर। आप देख लो कभी भी आप जो है जूस वाली मशीन है जो आप उसमें हमारा हम कभी फ्रूट से को ड्राइवर नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ पे जो है इंटरलॉकिंग टेक प्लेस हो जाती है, इंटरलॉकिंग बन जाता है ये, तो अगर हम इसको यहाँ से व्हील जो अगर हमारा वोरम व्हील के अलग से रोटेट करने की कोशिश करें, वोरम ऑलवेज ड्राइवर। सेकेंड क्या है दीज आर यूज ओनली फॉर वेलोसिटी रिडक्शन, वेलोसिटी रिडक्शन के लिए इसको सिर्फ यूज कर सकते हैं, वेलोसिटी को हम इंक्रीज नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ वोरम एंड वोरम व्हील, रिमेंबर दिस। नाउ टाइप ऑफ गियर, यस नाउ टाइप ऑफ गियर बेस्ड अपॉन द वेलोसिटी ऑफ गियर। सेकेंड कैटेगरी हम बात करें वेलोसिटी ऑफ गियर के बेस पर अगर हम बात करें तो तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहली है लो वेलोसिटी, दूसरी है मीडियम और थर्ड है हाई। अगर हमारा वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से नीचे है तो उसको बोलेंगे लो वेलोसिटी गियर, अगर हमारा 3 और 15 के बीच में है तो उसको बोलेंगे मीडियम वेलोसिटी, और हमारा 15 मीटर पर सेकेंड से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हाई स्पीड गियर। बताने के लिए कुछ भी नहीं है, बस इनको जस्ट जो है इस डाटा को मेमोराइज ही रखना है। नाउ अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एंगेजमेंट देखो, अगर हम एक्सटर्नल बनाएं, मान लो ये हमारा शाफ्ट 1 है, ये हमारा शाफ्ट 2 है, अगर इनको ऐसे कनेक्ट करें तो इनको बोलेंगे एक्सटर्नल गियरिंग, क्योंकि जो जहां पे गियर जो है मैच कर रहे हैं वो एक दूसरे के
एक्सटर्नल कनेक्ट कर एक्सटर्नल मैश कर रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं एक्सटर्नल गियर। यहाँ पे बात क्या होगा, देखो अगर ये वाला क्लॉक वाइज घूम रहा है तो ये वाला कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉक वाइज, बस डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाएगा। अब इंटरनल गियर में क्या होता है, अगर मान लो ये वाला कोई गियर है और दूसरा गियर में मैश कर दूं उसकी इंटरनली, यहां पे देखो ये मान लो गियर नंबर ये फर्स्ट था, ये गियर नंबर क्या है सेकंड है, तो उसको बोलेंगे इंटरनल गियरिंग। यानी फायदा क्या है, फायदा क्या है कि यहां पर जो है डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी का सेम रहता है, और ये वाला क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये अंदर वाला भी क्या घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। आप जो अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, वेरी सिंपल। एक पॉइंट और है, देखिएगा जो एक्सटर्नल गियर है जो हमारा स्मॉल व्हील है उसको वहां पे हम बोलेंगे पिनियन, इंटरनल गियर भी पिनियन बोलेंगे, सेम वर्ड। जो हमारा जो लार्जर व्हील है तो उसको बोलेंगे स्पर व्हील, बाई कन्वेक्शन ऐसे ही नोटेशन है। और जो इंटरनल गियर है उसे हम बोलेंगे एनुलर व्हील, समझ में आ? जो लार्ज है बड़े वाले बोलेंगे एनुलर व्हील, किसमें इंटरनल में, और एक्सटर्नल बोलेंगे उसको स्पर व्हील, बाई कन्वेंशन ऐसा है नोटेशन। ओके माय डियर, सो हम यहां पे जो है गियर को खत्म करते हैं। हमने पढ़ा कि गियर क्या होता है और टाइप ऑफ गियर जो है हमने देखे इस लेक्चर में। सो हम यहां पे क्या करते हैं, इस लेक्चर को एंड करते हैं।